प्रोसेस ये कि हमें उनकी दुआएं मिली थी कि इतना प्यार मिला और जिस तरह से इन्होंने हमारा इस्तकबाल किया फूलों के साथ, हमारी पूरी जिंदगी की यादगार हमेशा रहेगी। अवैस भाई और सबा बहन का वलीमा है, ये गर्मा गर्म इस वक्त कोरमा निकाल कर डिश आउट किया जा रहा है और फ्रेश खोया भी पड़ा हुआ है और अभी इसमें गाजर के हलवे पर डाला जा रहा है। ये देखिए जी माशाल्लाह, सबा बहन और अवैस भाई हैं और जिनका आज यहाँ वलीमे का खाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हमारे यहाँ पर हमारी माएँ जो है इस्तकबाल के लिए फूलों की पत्तियाँ लेके खड़ी हैं और आज हमारे यहाँ पे वलीमा है। अभी एंट्रेंस हम करेंगे फूलों की पत्तियों के साथ और उनकी पूरी फैमिली का इस्तकबाल भी करेंगे। माशाल्लाह से अभी दुल्हन और दूल्हा हमारे यहाँ पर जी बिल्कुल मौजूद हैं तो देरों दुआओं के साथ आया राड़ी माशाल्लाह से जी बड़े खूबसूरत गानों के साथ जो है इस्तकबाल किया जा रहा है। की प्लेट बाकी रह गई भाई, वो भी गिरा दें। खदीजा की प्लेट रह गई है। ओके चलिए अब अंदर चलते हैं सब, ठीक है जी आ जाए। जो हमारी जो पूरी फैमिली है, मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया से होते हैं, उनकी ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है, मेरी दादी यहाँ पे, मेरी खाला साउथ अफ्रीका से आई हुई है, मेरे और भाई वो कराची से और शहरों से सारे आए हुए थे, सारे शादी के लिए आए हुए थे। तो शादी से अगले दिन हम यहाँ पे उनके साथ अपना इन माओं के साथ अपना वलीमा करते हैं। इस वक्त बिंते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद में। आज जी हमारे यहाँ पर अवैस भाई और सबा बहन का वलीमा है, उनके साथ में जी आज यहाँ पर फैमिली भी मौजूद हैं और ये सारा खाने का अरेंज भी उन्होंने किया है। इस वक्त जी ये देखें अपनी हमारी जो माएँ हैं उनके लिए गर्मा गर्म इस वक्त कोरमा निकाल कर डिश आउट किया जा रहा है और साथ में जी सलाद रायता भी रेडी है। अच्छा मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है मीठे में गाजर का हलवा है माशाल्लाह और बहुत ही नट्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। साथ में जी बिरयानी है, चिकन बिरयानी है। तो ये अभी थोड़ी देर में हम लोग जो है ये सारा अपना जितना जो हमारी माओं की ट्रेस वगैरह बनती हैं वो हम बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह हम जो अंदर जो नए शादीशुदा जोड़ा है जो माशाल्लाह से आज उनका वलीमा है उनसे भी मिलवाएंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। अच्छा जी साथ में ये फ्रेश खोया भी पड़ा हुआ है और अभी इसमें गाजर के हलवे पर डाला जा रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा ये।
चलिए जी, बाकी सब ट्रेज वगैरह रेडी हो रही हैं और सब हम जो बनाते हैं अपनी माओं की जो ट्रेज हैं वो अलग से हैं, यहाँ पर अभी सब बर्तन वगैरह सब रेडी हो रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम आपको जो है सब कुछ दिखाएंगे। माशाल्लाह से जी सब लोग खाने में इस वक्त मसरूफ हैं। जी अमरीन बाजी, आपको आज का खाना कैसा लगा? माशाल्लाह से आप वलीमे का खाना खा रही हैं। शादी का खाना खा रही हैं, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो खाने में जो है ये चिकन बिरयानी थी, साथ में कोरमा है जी, सलाद रायता और बहुत ही स्पेशल गाजर का हलवा है, वो भी मैं अभी आप लोगों को जो है वो दूंगी, वो भी सर्व करेंगे जो है जी। आपको कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आई आपको? बिरयानी बहुत अच्छी बनी। बिरयानी बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, आपने खा लिया? माशाल्लाह, बाकी जो है वो अभी खा भी रहे हैं। और जी एक ये यहाँ पर जो है हमारे माशाल्लाह से सबा बहन और अवैस भाई हैं, और जिनका आज यहाँ वलीमे का खाना है। आज हमारे घर में बहुत रौनक लगी थी, माएँ भी माशाल्लाह से बहुत खुश थी जिस तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया है शादीशुदा जोड़े का। हमारे साथ जो है उनके साथ उनकी बहन मौजूद है, और हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ जो आज सारा इवेंट हुआ है वलीमे का, तो उनको कैसा लगा हमारी माओं से मिलकर और उन लोगों के साथ इन्होंने वक्त भी गुजारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हरा है और आज हम बिनते फातिमा होम में आए हैं, और एक तरफ हमारे दिल बहुत खुशी से हैं, हम मेरे भाई की भी शादी हुई है, दो दिन पहले इनकी शादी हुई है, और हम चाहते ये थे कि वाइल हमने किया लेकिन हम यहाँ पे आके जो सारी माएँ हैं अपनी माओं के साथ भी हम अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर सकें, इनकी भी दुआएं ले सकें, और ना सिर्फ ये कि हमें इनकी दुआएं मिली बल्कि इतना प्यार मिला, और जिस तरह से इन्होंने हमारा इस्तकबाल किया फूलों के साथ, हमारी पूरी ज़िंदगी की यादगार हमेशा के लिए है। और जहाँ पे आई वुड वांट टू अप्रिशिएट कि जो हमारे सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, खुशा हैं, हसन भाई हैं, जिस तरह से इन्होंने हर चीज़ का इंतजाम किया हुआ था, ये बहुत काबिल तहसीन है, काबिल खराज है, और यहाँ पे हर एक माँ अपनी कहानी है, मगर हर एक माँ में जो प्यार है वो सब माँ का जैसा है, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने बताया कि पाकिस्तान से बाहर से भी मौजूद हैं फैमिली, और ये कितना ही खुशगवार लम्हा हमारी माओं के लिए है कि जिन्होंने अपनी इस जो ज़िंदगी का आगाज़ है इन्होंने यहाँ एक खुशी के मौके को अपनी माओं के साथ सेलिब्रेट किया है, और अच्छा इनके साथ वक्त भी गुजारा, खाने वगैरह का सारा अरेंज किया, तो ये हमारी माओं के लिए भी जो है सारी थैंक यू। मतलब
Gracias.